आई एम एक्चुअली इन बहनों के साथ कुछ भी करने के लिए आई एम ऑलवेज रेडी. आई एम वेरी मैं उनकी हर किस्म की फ़ैन हूँ. मतलब आई थिंक ये एक फैमिली है जिसमें आपको हर टैलेंट के लिए आप यू नो एक फ़ैन बन सकते हैं. सो आई लव देम एंड आई एम जब भी मैं हो सके आना चाहूँगी. एंड आई एम बिग फैन ऑफ नॉट जस्ट हर, मतलब ऑफ कोर्स द स्कूल इज़ डूइंग रियली वेल, लेकिन द वे शी इज़ हर टैलेंट, आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ एनीथिंग फॉर दैट. अरे मेरे लिए इतनी बड़ी बात है ये कि आप इधर आए हो. सीरियसली आई एम फीलिंग रियली ग्रेट. मतलब हम लोग आपका काम कब से देखते आ रहे हैं. यू आर सो अमेजिंग एंड जस्ट वन कॉल एंड वन मैसेज, कॉल भी नहीं, एक मैसेज एंड देन शी सेड यस आई कम. दैट शोज हाउ हम्बल शी इज. इतने हाइट्स पे जाने के बाद भी जस्ट मेरे एक छोटे से स्कूल को मतलब बच्चों को सपोर्ट करने, उनको मोटिवेट करने के लिए आप आए हो. आई डोंट थिंक इट इज़ छोटा एनीमोर. एवरीबडी नोज अबाउट नृत्य शक्ति. इज डूइंग रियली वेल एंड आई विश इट डज थाउजेंड एंड मिलियन टाइम्स बेटर. थैंक यू सो मच. एक्चुअली मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर, सो आई एम वेरी एक्साइटेड जस्ट नोइंग दैट. अच्छा यू नो इट्स सच अ बिग सेटअप एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. एंड आई एम of course if I get to see talent and if I get to encourage them I would love to do it any day. dance karna kitna difficult task hota hai aap dono ke liye question dekha jata hai matlab levels hote hain inka level kuch aur hai bilkul bhi nahi. I have seen you dance and you are amazing. let's be realistic about this. inka level kuch aur hai but it's amazing that dance ek aisi cheez hai ki agar aapko nachna nahi bhi aata ho, agar aap khade rehke sirf music enjoy karke अपने बदन में वो फील कर पाए. जैसे कि अगर आप इंडियन शादियों में देखोगे जो लोग बारात के आगे नाचते हैं, उनको नाच के बारे में ABC नहीं पता होता है. बट डांस इज़ वन थिंग. जैसे ऑफकोर्स सिंगिंग में टेक्निक होती है, आपको आना चाहिए गाना, बट ऑफकोर्स डांसिंग में भी होता है. लेकिन डांसिंग में ये अमेजिंग बात है कि आप अगर हाथ उठा के कुछ ऐसे अजीब सा ऑफ ट्यून भी कर दें उसे भी डांस कहते हैं. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फील इनसाइड. अच्छा कुछ टिप्स अगर देना हो स्टूडेंट्स को तो क्या क्या होने वाली है. I don't think I can give any tips to people. She is good at what she is doing, teaching them and giving them tips. I'm here to encourage them and I will do that. From my heart I feel, Gohar, you're such a lovely person. And हम सारी बहनें आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में बहुत बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं. और ये इतनी बड़ी बात है मेरे लिए. Seriously, बहुत बड़ी बात है कि आप आए हो यहाँ पर. I have goosebumps right now. Feeling very very grateful. That you've come. इतने ट्रैफिक में, मतलब बॉम्बे में अगर कोई टाइम निकाल के आ रहा है, it's a very नहीं, actually I hate कि मैं लेट आ रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा अंधेरी से यहाँ तक 40 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लग सकते. मुझे एक घंटे के ऊपर लगा है, तो आई अपोलोजाइज. इनफैक्ट मुझे पता है कि ट्रैफिक कितना बुरा है, फिर भी इन्होंने गिव अप नहीं किया. कहते थे कि मैंने आ रही, बहुत ट्रैफिक है. But she has come and this means the world to me. Yeah. And students can't wait to see you. I love to, I love to see what's happening. Let's yes. go. India में जो new talents आ रहे हैं, या reality show हो गए, कहीं से भी या social media sites से जो भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन talents के बारे में? I think it's amazing. In fact, मुझे complex हो जाता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे वो चीज़ें कर पाते हैं आज जो हम शायद सालों की training के बाद भी ना कर पाएँ. So you guys are responsible to actually inspire them and I'm glad that now they have training. I wish I could train, but yeah. आपको training की ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ही killing कर रहे थे. आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? I feel level of dancing has definitely gone like to another level. Absolutely. Thanks to dance reality shows, awareness. Yeah. And now of course the internet also. Internet और ऊपर से क्या है कि आपके जैसे बड़े celebrities भी आप लोग ऐसे नहीं कि लाइक वी डू इजी काइंड ऑफ मूव्स. यू आल्सो लर्निंग, यू मेक एन एफर्ट टू गो टू क्लास एंड यू लर्न. सो ऑल ऑफ दैट जस्ट गोज टू शो कि डांस ओवरऑल इन आवर कंट्री इज गोइंग टू अनदर लेवल. आपका भी कुछ न्यू शो आने वाला है. हां जी, योर डांस प्लस का मीम्स के बारे में क्या बोलेंगे आप? इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं. एक्चुअली टैलेंट थर्ड सीजन ना विद सर फोर्थ सीजन. वाओ, तो इतना मतलब लेवल बढ़ता जा रहा है. इट्स काइंड ऑफ स्कैरी फॉर अस. हमें पता नहीं चलता इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इनको हम क्या सिखाएं. We get to learn from them, so yeah. I'm looking forward to seeing कि इस बार हमारे देश ने क्या पैदा किया है. Yeah, and I watch the show all the time, so I'm going to watch it again. कितनी जाती जज करते वक्त देखा जाए तो क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मासूम भी होते हैं और काफी अच्छा डांस करते हैं, तो एलिमिनेशन के टाइम पे
वेल एलिमिनेशन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ अप्स एंड डाउन्स. तो सबसे अच्छी चीज़ है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है परफॉर्म करने का एंड नेशनल टेलीविजन पे दिखाने का अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है. आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग डील. ओके मैम, केरला में फ्लड आई हुई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऑडियंस से क्या फील करना चाहेंगे अपने फैंस से? एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि लोग इसके बारे में आगे आके बता रहे हैं कि वॉट इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड नॉट जस्ट द बैड स्टोरीज बट ऑल्सो द गुड स्टोरीज कि कितने अच्छे लोग हैं इस दुनिया में जो आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट कर रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, आर्मी इज हेल्पिंग आउट. आई जस्ट होप एंड प्रे आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस दैट द गवर्नमेंट डज मच मोर टू हेल्प द पीपल हु नीड इट. बहुत ज़्यादा सैड है और इसके बारे में मतलब व्हेन नेचर टेक्स ओवर वो हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखा देता है और कहीं ना कहीं हम लोग सब रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं किस तरह से हम नेचर को अब्यूज़ कर रहे हैं और नेचर कैसे किस तरह से हमारी लाइफ को पूरा हिला देता है. इस वक्त पे ऑफकोर्स वी नीड टू चेंज आर लाइफ स्टाइल हाउ वी ट्रीट द नेचर बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं और जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं, जिनके घर सर पर छत नहीं है, वी हैव टू प्रे फॉर देम एंड होप के प्लीज डू समथिंग मोर एज अ गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर दीज पीपल. आई होप दैट जितनी इंटरनेशनल एड मिल रही है उसे प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए. और let's not get into a political thing over here. What is needed is that the world comes together and if the world is coming forth, you should take it, you should take the help that is needed and give it to them who deserve it. इसके अलावा क्या क्या रहे हैं? सर ये काम की बात करने में है, नितेश शक्ति की बात करने में है. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आइए आप लोग भी. मैम यार छुट्टी ना. थैंक यू. Yes.
दिया मेरा हाल क्या कर दिया, गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है, हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं।